वेलकम बैक टू वन्नाज आर्ट इम्प्रेशन। फ्रेंड्स, यू नो हाउ मच आई लाइक मधुबनी पेंटिंग, और मुझे भी पता है आप लोगों को भी बहुत पसंद है मधुबनी पेंटिंग। इसलिए मैं फिर से लेके आई हूँ वन मोर ट्यूटोरियल जो भरनी स्टाइल में रहेगी। एज वसंत पंचमी अबाउट टू कम, सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर विथ यू वन मोर ट्यूटोरियल ऑफ माँ सरस्वती। ये मैंने माँ सरस्वती की पेंटिंग बनाई है जो भरनी और कश्मीरी दोनों स्टाइल में है। यहाँ मैंने बॉर्डर रखा है कश्मीरी स्टाइल में, भरनी स्टाइल में पूरी पेंटिंग तैयार की है। आप अपने अकॉर्डिंग पूरी पेंटिंग भरनी स्टाइल में भी कर सकते हैं या पूरी पेंटिंग कश्मीरी स्टाइल में भी रख सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मेरा मानना ये है कि अगर किसी पूजा में आप भगवान की पेंटिंग खुद से तैयार कर पूजा करते हैं तो इससे असीम श्रद्धा की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। इसलिए मैंने ये ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर किया है। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई एम यूजिंग 200 GSM सीड्स साइज 11x15 इंचेस। After that, I am using here CD marker for outline. You can also use a gel pen. Then after here, I am using Fevicryl acrylic paint. You can also use watercolor or poster paint. We need some brushes also, so here I am using a round and flat brush size 0, 2, and 4. You can also use according to your painting. I had already prepared 3 side borders. Now I will prepare the 4th side border in front of you. बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इक्वल साइज़ में कुछ डॉट्स लगा दिए हैं जिससे मुझे बॉर्डर बनाने में प्रॉब्लम ना हो, और मैं यहाँ पे लीफ के जैसा या टेंपल के जैसा पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ बॉर्डर तैयार करने के लिए। हियर आई एम डूइंग डबल लाइन जो मधुबनी पेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। After the leaf patterns, I am making some flower patterns here so that border looks beautiful. Flower patterns complete हो जाने के बाद मैं यहाँ petals के अंदर कुछ patterns draw कर रही हूँ जिससे flowers के petals fill हो जाए। पैटर्न्स कंप्लीट हो जाने के बाद मैं बचे हुए एरिया को बैकग्राउंड को मैं ब्लैक से फिल कर देती हूँ जिससे फ्लावर्स उभर के दिखने लगे और ये पैटर्न्स बहुत ही सुंदर लगने लगे। ये देखिए, फिल हो जाने के बाद ये पैटर्न्स बहुत ही सुंदर लगने लगे हैं। हियर आई हैव प्लेस द बॉर्डर इन कचने स्टाइल विच लुक्स सो ब्यूटिफुल। Kachne style is very popular style of Madhubani painting in which painting is prepared with different patterns and it does not have bright color in it. If you want, you can make this border in Bharni style too. Bharni style is also popular style in which painting is done by filling in bright color. पहली बॉर्डर कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ कुछ फाइन लाइन्स बना रही हूँ जो काफ़ी बारीक होनी चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, फाइन लाइन्स एक दूसरे में टच ना हो, लेकिन जितनी बारीक देंगे इसकी सुंदरता उतनी ही बढ़ती जाएगी।
Now I am starting second border and using some circles in this border. बॉर्डर कंप्लीट हो जाने के बाद ये बहुत सुंदर लगने लगी है. नाउ आई एम स्टार्टिंग टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ माँ सरस्वती. फर्स्ट वी विल ड्रॉ एन ओवल शेप एंड स्टार्ट मेकिंग इट फेस. फेस को परफेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्लस का साइन बना देती हूँ, जिससे आईज, नोज, फेस के अदर पार्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो मैंने प्लस का साइन दे दिया. उसके बाद मैं नोज और आईज बना रही हूँ. एज यू नो इन मधुबनी पेंटिंग द आईज आर ऑफन मेड लार्ज, सो हियर आई हैव राइज द आईज ऑफ माँ सरस्वती. इफ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू मेक फेस इन मधुबनी स्टाइल, then please see my Madhubani painting tutorial. Links are given in the description box. I hope these tutorials are very helpful to you. माँ सरस्वती की मुकुट तैयार हो गई है. अब मैं माँ सरस्वती के हाथ में वीणा बना रही हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी है. माँ सरस्वती की पेंटिंग जब बनाते हैं तो उनके साथ उनके हाथ में एक वीणा अक्सर पाई जाती है, तो मैं यहाँ पे वीणा बना रही हूँ. माँ सरस्वती की पेंटिंग बनाते समय कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है. जैसे मैं यहाँ पे एक हंस की पेंटिंग बना रही हूँ, जो माँ सरस्वती की सवारी मानी जाती है. तो मैं यहाँ दो हंस को बनाऊँगी, जो बहुत ही सुंदर लगती है. और माँ सरस्वती की सवारी होने के कारण इन्हें देना भी बहुत ज़रूरी होता है. So I am also making some lotus flowers here. माँ सरस्वती अक्सर लोटस के ऊपर विराजमान होती है, इसलिए लोटस फ्लावर मैं यहाँ दिखा रही हूँ. और कुछ लोटस फ्लावर छोटे छोटे मैंने दर्शाऊँगी, जिससे ये पेंटिंग की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी. यहाँ मैंने माँ सरस्वती की पेंटिंग पेंसिल से तैयार कर ली है. सीडी मार्कर से कंप्लीट करने के बाद मैं दिखाती हूँ. ये देखिए, सीडी मार्कर से कंप्लीट होने के बाद बहुत सुंदर लगने लगी है. अब कुछ मैं पैटर्न्स ड्रॉ करूँगी, जिससे इनकी सुंदरता और भी बढ़ जाए. तो स्टार्ट करते हैं कुछ पैटर्न्स बनाना.
यहाँ बैकग्राउंड थोड़ी खाली लग रही है, इसलिए मैं कुछ ब्रांचेस बना देती हूँ और ट्रीज़ बना देती हूँ जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। यहाँ मैंने कश्मीरी स्टाइल में कंप्लीट कर ली है माँ सरस्वती की पेंटिंग, जो बहुत सुंदर लगने लगी है। फॉर कलरिंग हियर आई यूज रेड कलर एंड 0 नंबर ब्रश, सो लेट्स स्टार्ट कलरिंग। After red color, here I am using light purple color for lotus. इसी तरह मैं हर कलर का यूज करते हुए पूरी पेंटिंग तैयार कर देती हूँ। Tell me how you feel about this painting tutorial. If you like it, don't forget to like and share this video. If you are new to my channel, please subscribe and hit the bell icon for notification. If you want to see this painting, please visit on my Abby page. Links are given in the description box. आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं न्यू अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। I have prepared this painting and it looks very beautiful. Thank you so much for being a part of this tutorial, guys. Thank you so much.